हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डर प्लानिंग। तो सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2021 में जो क्वेश्चन पेपर में जो हम लोग सॉल्व किए हैं सेंटअप एग्जाम का, जो एग्जामिनेशन दिए हैं उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव है सो सॉल्व पहले ही मैंने कर चुके हुए, तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सो करते हैं शुरू वीडियो को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेक्शन बी में आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, जिनमें से केवल इनमें से कि नहीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। तो वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैंने इसमें से 10 बनाए हैं और लॉन्ग में से 2 बनाए हैं। उसके बाद आगे वाले वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो करते हैं वीडियो को सॉल्व। पहला हमारा क्वेश्चन है कॉट इनवर्स टेन पाई बाई सेवन। तो कॉट इनवर्स टेन पाई बाई सेवन है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड द वैल्यू। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कॉट इनवर्स टेन पाई बाई सेवन। तो वाई इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ इस फंक्शन को मैं y मान लेता हूँ, y इक्वल टू कॉट इनवर्स टेन पाई बाई सेवन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कॉट इनवर्स है तो इधर अगर मल्टीप्लाई 1y कॉट होगा तो कॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाए, तो कॉट y इक्वल टू टेन पाई बाई सेवन। हम लोग जानते हैं tan x का फॉर्मूला होता है कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स। तो इसी हिसाब से कॉट y है तो कॉट लगे टेन टेन पाई बाई सेवन है, तो यहाँ पे हम लोग कॉट पाई बाई टू और x की जगह पाई बाई सेवन है, तो x की जगह हम लोग पाई बाई सेवन पुट कर दिए। उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं वाई इक्वल टू सेवन पाई माइनस टू पाई बाई फोर्टीन, तो वाई इक्वल टू फाइव पाई बाई फोर्टीन। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा डिटर्मिनाट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट 2 3 5 -3 -4 2 6 -11 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये रहा, तो हम इसको डिटर्मिनाट ए मान लेते हैं, ये हमारा डिटर्मिनाट ए है। तो हम लोग जानते हैं A11 रिप्रेजेंट करता है इसके कॉलम और रो को, और C11 इसके को फैक्टर को। तो C11 को फैक्टर है, तो C11 कौन फैक्टर है, तो इसको हम लोग M11 मतलब माइनर को फैक्टर के हिसाब से या मेजर को फैक्टर के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो माइनर को फैक्टर के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ A11 इंटू C11, A12 इंटू C12 और A12 इंटू C13 को फैक्टर सबका है। तो आप लोग जानते हैं कि ये रो और ये कॉलम का सम यहाँ 2 है, यहाँ पे रो और कॉलम का सम 3 है, तो इसका जो को फैक्टर का भी सम होगा तो 3 है, तो इसका माइनर फैक्टर हमारा माइनस मिल लिया जाएगा। तो सिंपली ये हमारा माइनस मिल लिया जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग को A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 2 हुआ, तो 2 हम लोग ने ले लिया। और उसके बाद M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो ये जो है ये -4 और -11 2 4 है, इसको हम लोग लेंगे -4 -11 और 2 4। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग है सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में -3 है तो -3 लेंगे। उसके बाद है सो 3 -11 5 और 4 को करेंगे, उसके बाद 6 लेंगे वैसे ही उसको भी करेंगे। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे उसको गुना उना करेंगे, -4 4 और -11 2 -11 इसको गुना करेंगे, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 फिर इसको गुना करेंगे तो 12 + 55 फिर +6, उसके बाद इसको गुना करेंगे 3 2 6 20 प्लस में आ जाएगा तो 26। तो उसके बाद सिंपली इसको गुना करेंगे तो टोटल हमारा इसका आंसर हो जाएगा 369 सम करने के बाद। फिर आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए इक्वल टू इतना है और बी इक्वल टू इतना है देन प्रूफ करना है ए बी का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू बी ए का मल्टीप्लीकेशन, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मान लिया ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ये है, तो ए बी पहले हम लोग निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए 5 2 10 -1 × 3 -3 5 2 10 और माइनस हमको करना है, तो ये 3 1 3 यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइव टू जा 10 और -1 × 3, इसके रॉ को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 2 और -1 × 3 तो -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 + 3 आएगा। फिर उसके बाद सिंपली हम इधर जाएंगे तो 5 × 1 5 आएगा, फिर 5 × 1 5 और फिर 1 यहाँ पे ही प्लस हो जाएगा, ये दो मिस्टेक हो गए हुए थे। उसके बाद सिंपली 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21, फिर 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28। सिंपली इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 10 33 और 34। उसके बाद फिर हम लोग बी ए का निकालेंगे, तो बी ए में 2 5 2 जा 10 और 6 1 जा 6, फिर 2 में से -1 -2 और 1 7, फिर 5 3 15 और फिर 6 4 24,
फिर 3 1 -3 +7 4 28, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये आएगा। आप लोग देख सकते हैं सिंपली ए वी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है, तो सिंपली हम लोग यहाँ हेयर एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो ए वी इज नॉट इक्वल टू बी ए। उसके बाद सिंपली हम लोग फर्दर आगे चलते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन जो है सो हमारा ये है, यदि इफ वाई इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इफ वाई इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई इक्वल टू रूट साइन रूट एक्स, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके। यहाँ आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चेन रूल इसमें हम लोग लगाएंगे, चेन रूल लगाने के बाद सबसे पहले रूट का, उसके बाद साइन रूट एक्स का, फिर उसके बाद रूट एक्स का, फिर एक्स का। तो सबसे पहले हम लोग रूट साइन एक्स का करते हैं साइन रूट एक्स के कंपेरिजन में, उसके बाद साइन रूट एक्स का, फिर रूट एक्स में, और रूट एक्स का एक्स में, और एक्स का करेंगे तो वो वन आ जाएगा, इसलिए उसको नहीं किया गया। तो हम लोग जानते हैं रूट अंडर साइन एक्स मतलब रूट के अंदर कोई भी रहता है, अगर रूट एक्स रहता है तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है, तो वैसे ही रूट साइन एक्स है तो यहाँ हमारा 1/2 रूट साइन रूट एक्स हो जाएगा। फिर साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, फिर साइन रूट एक्स का साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस रूट एक्स हो जाएगा, फिर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो सिंपली उससे आप लोग देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद सिंपली हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है ये, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें अगर वाई इक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वाई इक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे, उसके बाद 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर हम लोग एक्स स्क्वायर का करेंगे, मतलब इसमें भी चेन रूल लगेगा और वो भी 3 बार। तो सबसे पहले ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर हम लोग 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर के प्रेजेंस में करेंगे, फिर 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के प्रेजेंस में, और एक्स स्क्वायर का एक्स के प्रेजेंस। तो सिंपली यहाँ ई टू द पावर कुछ भी रहता है तो वो सेम का सेम हो जाएगा, फिर 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 10 एक्स का, 10 इनवर्स एक्स का, तो एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा और इसमें से 2x हो जाएगा। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद फर्दर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन हम लोग 8 सॉल्व करते हैं। इसका जो 8 हमारा क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स का पावर लॉग एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इफ y इक्वल टू साइन एक्स का पावर लॉग एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स का पावर लॉग एक्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई लॉग एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये साइन एक्स का पावर लॉग एक्स में, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लॉग वाई, और इसमें लॉग साइन एक्स लॉग। अब हम लोग ये जानते हैं कि लॉग वाई तो लॉग वाई ही रहेगा, और ये जो लॉग एक्स जो पावर में सुविधा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के बेसिस में, तो यहाँ डी वाई डी एक्स लॉग वाई डी वाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हमारा हो गया। ये यू इंटू वी पे टूटेगा तो ये हमारा आ जाएगा, लॉग एक्स का छोड़ेंगे तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और लॉग साइन एक्स को छोड़ेंगे तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। उसके बाद लॉग वाई का 1/y हो गया डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद इधर लॉग एक्स इंटू 1/ साइन एक्स हो गया, उसके बाद साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, प्लस लॉग साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x हो गया। सिंपली यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे तो वाई इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वाई का हम लोग ऊपर वैल्यू जानते हैं कि वाई इक्वल टू क्या होता है, दिया हुआ यहाँ वाई इक्वल टू साइन लॉग का लॉग एक्स, साइन का पावर लॉग एक्स, सिंपली साइन एक्स का पावर लॉग एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/x लॉग साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। फिर फर्दर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, एक एस दिया हुआ है उसको डी टू एस और डी टी स्क्वायर में करना है जब टी का मान 1 हो, डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद टी का मान डालेंगे। सिंपली इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एस को लिख लिया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3 का टी का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 1/2 टी स्क्वायर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इसमें से 1 घट जाएगा तो टी बचेगा, 6t का टी बचेगा, और 5s हमारा 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है ना। उसके बाद अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, तो 2t है तो 2t हो जाए, टी का स्क्वायर है तो ये 2t हो जाएगा, और ये टी है तो ये सिंपली 1 हो जाएगा, और ये 6 0 में अपना आ जाएगा। नाउ पुटिंग टी इक्वल टू 1, तो इसमें पुटिंग करेंगे तो इसका 1 आंसर सिंपली हो जाएगा हमारा। कहते हैं फिर अगेन फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व, तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है,
नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स ज्ञात करें। तो कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के रूप में टूटेगा। ये हम लोग क्लास 10th में आइडेंटिटीज में पढ़े हुए हैं, तो ये इस हिसाब से टूटा। उसके बाद दोनों को डिफ्रेंशिएट, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और वन का डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा और डी एक्स वन का जो करेंगे उसका एक्स हो जाएगा, और इसके साथ कॉन्स्टेंट सी इसमें ऐड रहेगा। उसके बाद फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करेंगे, रूट अंडर इंटीग्रेट करना है इसको भी, रूट अंडर वन माइनस साइन टू एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें जानना होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, और साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो सिंपली हम लोग वन की जगह पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स, साइन टू एक्स की जगह पुट कर दिए और डी एक्स। तो ये हमारा सिंपली आप लोग देख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली ये होल स्क्वायर हो गया, तो रूट से स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया। सिंपली हम लोग को यहाँ इंटीग्रेट करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, तो सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स का प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। फिर इसको हम लोग जैसे ही आप लोग जान सकते हैं कि ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी स्क्वायर हो सकता है, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो सिंपली हम लोग इसको अगेन करेंगे, अगेन करने के बाद कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर करके करेंगे तो ये कट कैंसिल होगा, तो सिंपली इसका ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसका हम लोग का आंसर होगा इंटीजर इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रल पढ़ते हैं, मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अगर मॉड लगा निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं जो हमारे इसमें है। इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 50 सेंटीमीटर। सिंपली यहाँ आप लोग देख सकते हैं डी आर बाई डी टी हमारा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और रेडियस हमारा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड करना है डी ए बाई डी टी, इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया हम लोग पाई आर स्क्वायर नहीं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो पाई का पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, और आर का डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी टी हो जाएगा। सिंपली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 600 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपली हम लोग आगे नेक्स्ट फर्दर बढ़ते हैं। जो ये हमारा लॉन्ग का क्वेश्चन है, तो लॉन्ग का दो क्वेश्चन किए हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है एक्स का पावर वाई प्लस वाई का पावर एक्स इक्वल टू वन टी वाई वाई डी एक्स निकालना है। सिंपली हम लोग को एक्स का पावर वाई, वाई का पावर एक्स इक्वल टू वन है, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग एक्स वाई प्लस लॉग वाई एक्स इक्वल टू लॉग वन, लॉग वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये वाई इधर पावर में तो इधर मल्टीप्लाई होकर लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर देंगे हम लोग। तो सिंपली इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट किए हम लोग, डिफ्रेंशिएट कैसे किए हैं तो देख सकते हैं आप लोग, लॉग एक्स को यूनिटी फी पे होगा, तो लॉग एक्स को छोड़े हैं तो डीवाई बाई डी एक्स, फिर वाई को छोड़े हैं तो एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो उस हिसाब से हुआ। उसके बाद डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए हैं तो ये बचा हमारा, और वाई प्लस एक्स लॉग वाई, इसको उस साइड हम लोग सिंपली भेजेंगे निगेटिव हो जाएगा, तो सिंपली उस साइड भेजेंगे तो माइनस लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स, तो सिंपली डीवाई बाई डी एक्स इससे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर इसमें एक और किया है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है फैक्टोराइज ए माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस सी, ये किए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका मैं सॉल्यूशन किया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जो रॉ है, पहला जो रॉ है उसमें आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, मतलब उसमें तीनों रॉ को है सो ऐड कर दिया हूँ। तो ऐड करने के बाद आप सिंपली दे सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी में ऐड कीजिए रॉ को टू बी टू सी, तो 2b प्लस में और माइनस भी, तो इसमें b बचेगा प्लस में, इसमें प्लस c बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी, सिंपली ये तीनों में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद बाकी बात जो जैसे वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद a b c को कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा। सिंपली अब इसको हम लोग को ऐसे करना है जो जीरो आ जाए, जिसका हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो कॉलम टू में से कॉलम वन को माइनस कर देंगे, कॉलम टू में से कॉलम वन को, कॉलम थ्री में से कॉलम वन को, तो सिंपली इसको माइनस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 1 2b 2c। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 0 माइनस b माइनस c माइनस a 0 0 0 0, तो ये हमारा आएगा। उसके बाद सिंपली आगे बढ़ेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं इसमें ए बी सी कॉमन था, उसके बाद इस सब से जो कॉमन आया सो आया माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और इसमें से भी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस जीरो, तो आप इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा। तो सिंपली आप ए प्लस इसमें से माइनस और इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएगा,
तो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल, ये इसका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन अब बच गए हो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।